बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए ये देखें, ये मुर्गी के ब्रेस्ट के पीस हैं। तो नॉर्मल इसको मैंने जो है ब्रेस्ट को जो है ना, ये एक दफ़ा सेंटर से जो है ना इसको कर दिया है मैंने, आधा आधा जो है, ठीक है जी, सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये देखें, ये सिर्फ इस पर नमक और काली मिर्च ये लगा के, नमक और काली मिर्च और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सफ़ेद मैदा जो है ना, ये देखें, ये सफ़ेद मैदा इसमें हमने डिप कर लिया इसको, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल बिल्कुल सादा, कोई कुछ भी और नहीं करना है। ये देखें मैदे में जो है ना ये, और जब आप फ्राई पॉन लें तो इसमें जो है ना तेल के बजाय मैजरीन डाल दें। मैजरीन जो है ना ये रो आपने रोस्टेड के लिए जो है ना ये बहुत ही मुफीद है, कि जो है ना ये बेहतरीन आस्ता आस्ता जो है ये रोस्टेड करती है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया मुर्गी का जो मसला, ठीक है। इधर मैंने जो है ना दूसरी तरफ आलू ले लिए, आलू और ये बंद गोभी, छोटी छोटी बंद गोभी है। एक मिनट में ये भी बताता हूँ, ये लें जी, ये बंद गोभी है, ये छोटी इधर छोटी छोटी ये बंद गोभी की जो है ना, ये बिल्कुल जो जैसे वो टमाटर छोटे छोटे होते हैं ना, इसी तरीके से ये भी बिल्कुल छोटी छोटी जो है ना बंद गोभी, बिल्कुल बैर की तरह जो है ना वो छोटी से छोटी होती है। इसको उबाल लें, आलू और ये उबाल लें, या गोभी नॉर्मल ले लें, ठीक है जी। तो ये जो है ना, जब ये उबल जाएंगे तो ये हम सॉस इसका इलादा बनाएंगे, तो वो तो बाद में आपको मैं सब दिखाऊंगा लाइव। तो पहले ये देखें, मैं जो है मुर्गी के जो पीस हैं ये कैसे बन रहे हैं जी। बिल्कुल आग मैंने क्या कहते हैं जो हीट है वो हाफ की है, बिल्कुल हाफ पर रखी हुई है, ठीक है जी। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना, बिल्कुल आराम से, ताकि ये अंदर से भी बन जाए, ठीक है। आराम आराम से इसको जो है ना करें। ये देखें, ऐसे सुनहरी कलर में इसको जो है ना रोस्ट करें, ठीक है जी। ये देखें, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, अभी तैयार नहीं हुए, मैं सब तैयार करके आपको बताता हूँ फिर। लो जी, मैं उन सॉस जी है ना वो बना रहे हैं, ठीक है। ए मक्खन ले लिया तकरीबन 50-60 ग्राम, ठीक है जी। मक्खन च असं पाना के थोड़ा जहा आटा, आटा मैदा जड़ा ना तकरीबन बस तकरीबन एक टेबल स्पून जी है ना वो तुसा पा लवो, ठीक है जी। इसकी थोड़ा जहा भुनी गिनो, ठीक है जी। अच्छा, अग आंच बिल्कुल आस्ता एक एक पर करी छोड़ो उस, ताकि जरा ना जली ना जाए, ठीक है जी।
अच्छा, इसी तुसां पाओ के 400 ग्राम मिलीलीटर जड़ा ना फ्रेश क्रीम, अगर दो बंदे हो तो 200 ग्राम। असा तकरीबन चार बंदे हैं, चौं बंदे ना खाना है मैं बनाया, ते दो जड़ा पैकेट इतु पैकेट मिलने न तकरीबन 200 ग्राम ने, तो वो मैं पाए दो पैकेट। ठीक है जी, ए देखो जी, ये मैं हूँ सोस बना रहा। सोस सिर्फ इसी तुसी पा दियो के पिटाजीलिया, पिटाजीलिया एक इटालियन जर्मन ए मसाला या अपने जिस तरह साड़ी मेथी होनी इस तरह मतलब के ग्रीन किस्म ना। ठीक है जी, ये पाया, इसी चासा मतलब है नमक पाँगे है जी, नमक तकरीबन अद्धी अद्धी चम्मच तो थोड़ी जी मतलब है घट, इतनी ज़्यादा भी नहीं। ठीक है जी, नमक हो गया, कालियां मर्चा, अच्छा कालियां मर्चा जड़ियाँ ये तुसा थोड़िया जी, अगर थोड़े को पीठियां ही तो ठीक है वो पा लो, अगर नहीं तो नॉर्मल खरदरी जी करके, इतनी ज़्यादा भी नहीं मगर बस थोड़ा जड़ा ना जायका हो जाए बस। ठीक है जी, इसकी हम थोड़ा जा सब पकन दियो, मामूली जाए कणा हो जाएगा तो फिर जनाब ये सोस जड़ा ना ये तुसा की दसने हैं कि किस तरह मतलब है जड़ा ना तैयार होना। यह देखो ये हूँ कणा हो गया, तकरीबन दो मिनट तो बाद जड़ा ना ये बिल्कुल ए देखे थे हूँ ये सोस बन गया जनाब। ठीक है जी, इसकी तुसा हूँ मतलब है कि जड़ा ना ये किसी चीज़ की पा लो ताकि जड़ा ना ये हूँ ये बिल्कुल तैयार हो गया। लो जी, हमारा खाना तैयार हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही अच्छी लुक। ठीक है जी, ये देखें, ये साथ सॉस भी है, ये मैं खुद जो है ना इसको ट्राई करूंगा। चलो आप ये देखें, मैं आज आपके सामने जो है ना ये मैं, मेरे और भी मेहमान हैं मगर चलो मैं जो है ना सिर्फ एक बार जो है ना आपको दिखा रहा हूँ कि करना क्या है इसका। ठीक है, ये लें जी, गिमादी आयन है एक जो है ना, दो ये आलू ले ले, अच्छा ये जो है गोभी, अच्छा गिमादी ये तो, ये जो ये ठीक है, तो आयन लोफन जो ये सॉस जो है ये इस पर डाल के तो आप इसको इस्तेमाल करें जी। ठीक है, तो मैं तो चस्के लगा लगा के अभी खा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, साथ ये सॉस इतनी प्यारी बनती है ये कि आप जिंदगी में जो है ना मज़ा करेंगे और कहेंगे कि यार वाकया ये ऐसी सॉस जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार, आ जाओ भाई,
लो मेरे दोस्तों, याद मायने ने मोमेंट मोमेंट देवा खूब मायसा मायने जिंक्स इस दा वक्तन ठीक है मेरे मेरे दोस्तों। अगर आपको ये मेरा खाना पसंद आ गया तो मेरी जो है ना इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।